अगर आपको भी ट्रेन सिमुलेटर में इंडियन एडवांस ऐड करना है तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपके से कोई भी स्टेप्स मिस ना हो। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब, और स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ट्रेन सिमुलेटर एंड्रॉयड में इंडियन एडवांस कैसे ऐड कर सकते हो, वो भी एकदम सुपर HD और लैग फ्री इंडियन एडवांस में आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। तो जैसे ही आप दिए हुए APK पर जाएंगे तो उस थोड़े परमिशन मांगेगा, फिर बाद में वो बोलेगा 286 MB का डाउनलोड करने के लिए, तो आपको उसको ओके करना है। फिर वो ऐसा डाउनलोडिंग फाइल्स दिखाएगा, तो उसको आपको पूरा 1/8 तलक पूरा कंप्लीट करना है। तो देख सकते हो हमारा अभी कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे ही या 8/8 कंप्लीट होएगा तो ऐसा कुछ आपके सामने स्क्रीन दिखाई देगा आपका, फिर ऐसे स्कैनिंग इंस्टॉल कंटेंट आके फिर आपका गेम चालू हो जाएगा। देख सकते हो अब हमारा गेम अब चालू हो चुका है। तो अब मैं आपको रेल ऐड, आप देख सकते हो मेरे पास कुछ भी अभी इंडियन एडवांस ऐड नहीं किए, तो मैं आपको आज पूरा अच्छे से बताऊंगा कि आप इंडियन एडवांस कैसे ऐड कर सकते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वो लिंक दबाने के बाद आप सीधे इस पेज पे पहुंच जाओगे। फिर उसके आने के बाद थोड़ा आपको नीचे आना है, फिर आपको ट्रेन साइट दिखेगा, उसमें जाने के बाद फिर एडवांस पे क्लिक करना है दोस्तों आपको। फिर जैसे आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा इंडियन रेलवेज़ के सब इलेक्ट्रिक लोको फिर मल्टीपल यूनिट सब ओपन हो जाएंगे। तो मैं आपको डेमो के लिए अभी ICF कोच एक डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो हमारा अभी कोच डाउनलोडिंग हो रहा है और बहुत सिंपल है दोस्तों डाउनलोड करने के लिए, और ये HD मॉडल्स द लर्निंग वेस के है और बहुत सुपर HD मॉडल्स है। अगर आपका 2 GB एक और 2 GB रैम रहेगा मोबाइल का तो आप यूज़ मत कीजिए, बहुत लैग हो जाएगा उसमें। देख सकते हो दोस्तों आप, इसमें आपको सब तरह के ICF कोचेस और LHB कोचेस मिल जाएंगे, और साथ में आपको डिपेंडेंसीज भी डाउनलोड करनी है। अगर आप डिपेंडेंसीज डाउनलोड नहीं करोगे तो आपका रूट अच्छे से नहीं चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ICF का भी एक डिपेंडेंसीज डाउनलोड करके रखा है। आप चाहिए तो गूगल ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हो सब मॉडल्स का डिपेंडेंसीज। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इन लर्निंग वेस की वेबसाइट की। तो देख सकते हो दोस्तों आप हमारा सब, मैंने सब डाउनलोड करके रखा है द लर्निंग वेस के। तो चलो सबसे पहले हम तो सिंपली आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी जाके सीधा कंप्यूटर इंटेलिजेंस फाइल्स, फिर यूज़र डेटा, फिर ओरिजिनल में जाके आपको हैश बनाना है। दोस्तों आप LHB के लिए अलग हैश बना सकते हो और ICF के लिए, मतलब जितने भी ICF कोच है उसको आप एक हैश में डाल दो और जितने भी LHB कोच है उसको आप हैश 1 में डाल दो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं आप सारे LHB कोचेस को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ एक ही हैश में, इससे आपका स्टोरेज थोड़ा बच सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो हम अब सारे, फिर जो डिपेंडेंसीज अंदर है आपको उसको कट करके बाहर पेस्ट कर देना है दोस्तों, नहीं तो आपके एडवांस अच्छे से ठीक से चल नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही करने का दोस्तों आपको अगले बार भी। अभी मैं डाउनलोड्स पे आ चुका हूँ, तो जैसे आप आओगे तो अभी मैं आपको लोको एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। तो अब हम मैं आपको अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। तो सब आपको इलेक्ट्रिक का सब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आपको चूज़ करना है, Web 4, Web 5 और Web 7। तो जैसे आप जाओगे तो उसके डिपेंडेंसीज उस पर एक्सट्रैक्ट करना है आपको, फिर डिवाइस मेमोरी, फिर एंड्रॉयड, फिर डाटा, फिर COM.N3V गेम्स, फिर फाइल्स, यूज़र डेटा, फिर ओरिजिनल में जाके आपको इलेक्ट्रिक के लिए अलग से हैश बनाना है।
ऐसे आप बनाओगे तो फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि ICF कुछ हैश में, हैश वन में, ICF कुछ LHB हैश टू में, ऐसा। फिर आपको अपलेट ऑल फाइल्स करना है, फिर वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे एक्सट्रैक्ट होगा दोस्तों, फिर आपको वैसे अंदर के जितने भी फाइल्स है उसको कट करके बाहर पेस्ट कर देना है। वैसे आपको वेब फाइल के लिए भी सेम टू सेम करना पड़ेगा। देख सकते हो दोस्तों, अब हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब फिर से मैं डाउनलोड पे इधर जा रहा हूँ। याद रखिए दोस्तों, आप #00 में सिर्फ ICF कोचेस एक्सट्रैक्ट करना, #01 में सिर्फ LHB कोचेस, और #03 में सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, ऐसे मतलब ये कर देना, पार्ट्स कर देना दोस्तों। फिर बाद में डीजल लोकोमोटिव, फिर बाद में रूट। रूट आप अलग अलग हैश में, मतलब अलग अलग हैश बनाओ। एक ही हैश में बनाओगे तो फिर वो रूट वर्क नहीं करेगा। तो सेम इसमें भी दोस्तों, आपको फाइल्स यूज़र डेटा में जाके फिर नया हैश बनाकर उसको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हो, अब हमारा पेस्ट हो रहा, एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसमें भी दोस्तों सेम, आपको अंदर की डिपेंडेंसी जितने भी है उसको पूरा कट करके बाहर पेस्ट कर देना है। ये मेमो के लिए एक अलग EMU, और फिर मेमो के कोचेस के लिए आप अलग से हैश बनाओ। फिर एकदम सिंपल तरीके से वर्क हो जाएगा आपके एडवांस। अब मैं आपको डीजल लोकोमोटिव एक्सट्रैक्ट करके बताता हूँ। तो ये EMD है, तो इसके भी आपको डिपेंडेंसीज और फिर जो आपको लोको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सेम इसको भी हम एक्सट्रैक्ट पे दबाएंगे अभी। फिर एक्सट्रैक्ट होने के बाद डिवाइस मेमोरी में जाके फिर एंड्रॉयड डेटा com.n3 गेम्स में जानेगा, फिर फाइल्स यूज़र डेटा, और फिर ओरिजिनल, फिर वापस से EMD के लिए अलग से हैश बनाओ और डीजल लोकोमोटिव के लिए अलग से हैश बनाओ। तो जैसे हैश बनेगा उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है यहाँ पर। फिर जैसे ही आप अंदर जाओगे तो जितने भी डिपेंडेंसीज है उसको वापस से कट करके आपको बाहर पेस्ट कर देना है। और फिर बाद में आपको दोस्तों assets.tdx फाइल को भी डिलीट करना है। दोस्तों जैसे ही आप assets.tdx फाइल को डिलीट करेंगे, फिर आपको ट्रेन रिसोर्स में जाके दूसरा जो asset.tdx है उसको भी डिलीट करना है दोस्तों। जब आप पहले बार गेम ये करेंगे तब आपको एक ही बार इसको डिलीट करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ओरिजिनल के बाद जो asset.tdx आता है उसको आपको कंपलसरी हर बार ये करना है, डिलीट करना है। अब देख सकते हो हमारा गेम अब चालू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे सारे एडॉन्स एकदम अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चेयर कार है, चेयर कार, AC चेयर कार, और ये थर्ड AC ICF कोच का, और ये चेयर कार है दोस्तों नॉन AC चेयर कार ICF, और ये वाइड विंडो AC चेयर कार। सब तरीके के दोस्तों आपको द लर्निंग वेज के वेबसाइट पे मिल जाएंगे सब तरीके के एडॉन्स। और ये देख सकते हो आप गतिमान एक्सप्रेस, और ये राजधानी एक्सप्रेस का ये पेंट्री कार है दोस्तों, और ये देख सकते हो आप मेमू जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया था, और ये भी देख सकते हो दोस्तों आप Web7 TLW का, एकदम अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट हो चुका है दोस्तों। और इसके अंदर आपको कैब व्यू नहीं मिलेगा दोस्तों, पर बहुत अच्छा इंटीरियर और सुपर HD मॉडल्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हो WDG4B एकदम अच्छे तरीके से। और एकदम अगर दोस्तों आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कुछ ट्राई करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के। We'll be right back.